नमस्कार दोस्तों डॉलर रुपी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज सेवेंथ ऑफ सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दोपहर के साढ़े बारह बजे डॉलर रुपी अभी है आपका एटी थ्री पॉइंट वन लेवल पे एक क्रूशियल लेवल पे डॉलर रुपी आके रुका हुआ है ऐसा एक लेवल जहां पे हमें बहुत शांति से एनालिसिस करना है क्या शांति से एनालिसिस करना है उसके लिए चार्ट में आते डॉलर रुपी का एक ऐसा लेवल है जो प्रीवियस स्विंग हाई जो है या रिस ऑल टाइम हाई जो है डॉलर रूपी का उसको चैलेंज करने के लिए आया हुआ है उससे पहले डॉलर रुपी फिफ्टी से 80 80, 85 के बीच में एक रेंज पे अटका हुआ था जिस रेंज के अंदर में प्राइस कॉन्सोलिडेट कर रहा था डेट मींस दिस रेंज उसके बाद फिफ्थ ऑफ सितंबर को ये रेंज के ऊपर मार्केट चला गया एंड क्लोज एट एटी थ्री पॉइंट जीरो थ्री के लेवल पे एंड कल सिक्स ऑफ सितंबर को ये और भी ऊपर जाके क्लोज दिया है एट एटी थ्री पॉइंट वन सेवन लेवल पे आज मॉर्निंग से ही मार्केट थोड़ा सा पॉज दे रहा है ये जो पॉज है ये जो सन्नाटा है इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न सन्नाटा बोले तो उसकी क्या कहना चाहता हूं उसके लिए हमें थोड़ा सा आसपास के चीजों को देखना पड़ेगा क्या चीजेंट जीरो जीरो उसके ऊपर जो है मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट फाइव जीरो से हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट सेवन जीरो के लिए देट मीन द केस डॉलर इंडेक्स में ऊपर जाने का रूम है जीबीपी डॉलर काफी वीक हो चुका है करेंटली एट वन पॉइंट टू फोर एट टू इसको और भी नीचे दैट मीन वन पॉइंट टू फोर थ्री जीरो फोर जीरो पे एक सपोर्ट लेवल है मतलब और भी वीक होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है एट वन पॉइंट जीरो सेवन वन टू ये करंट लेवल का जो सपोर्ट है वन पॉइंट जीरो सेवन उसके वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था डोजी का मतलब पॉज हाई के ऊपर पुलबैक लो के नीचे कंटिन्यूएशन तो यहाँ पे काफी वीकनेस यूरो डॉलर पे भी है डॉलर यन पे काफी स्ट्रॉन्ग है डॉलर एग इज दिन एट वन फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो और यहाँ पे बेसिकली द मार्केट इज वेटिंग फॉर द बी एक्शन सी एन ये देखो आप 17th अगस्त के बाद 17th अगस्त में बेसिकली पीबीओसी ने इंटरव्यून करना चालू किया डायरेक्टली एज़ वेल एज़ सम अनाउंसिंग सम मेजर्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेजर्स पीबीओसी ने मार्केट में लाया टू कर्व सीएनएच डेप्रिसिएशन एंड उस केस पे काफी सक्सेसफुल भी हुआ था लेकिन आज कल एंड डे बिफोर यानी आपका फिफ्थ ऑनवर्ड्स यहाँ पे काफी तेजी देख रहे हैं मीन्स सी एन एच इज सो मेनी इनिशिएटिव्स एंड ऑल्सो द इंटरवेंशन अभी यहाँ पे ये यह जो सेवनटींथ अगस्त का हाई है दैट इज सेवन पॉइंट थ्री थ्री सेवन जीरो इसके ऊपर क्या सस्टेन करने देते हैं पीबीओसी या नहीं देते हैं सो so, पे टू प्रोबेबिलिटीज है एक प्रोबेबिलिटी प्रॉबेबिलिटी पीवी स्ट्रॉन्ग हैंडेडली ये हो गया और दूसरा सिनेरियो क्या है कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर के तरफ जा सकता है ऊपर के तरफ अगर जाता है तो रूपी में प्रेशर आना मीन्स काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है क्रूड ऑयल और एक बार देखेंगे

इस लेवल पे उनका क्या स्टैंड है क्या वो चाहते हैं कि रुपी 8320, के एटी थ्री ट्वेंटी हो या हो उनका इंटेंशन दे आर नॉट गोइंग टू कम ओपनली डिक्लेयर दिस लेवल इज लक्ष्मण रेखा इसके ऊपर नहीं जाएगा या इसके नीचे नहीं आएगा दे विल डू देर एक्शन जो एक्शन है उन्हीं को हमें डेसीफर करना है क्या दे आर ट्राइंग टू स्टॉप आयर फ्रॉम फर्दर डेप्रीसी कल का जो इंटरबैंक मार्केट का जो एक्शंस था और आज सुबह से जो एक्शंस है वहां पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हेवी सेलिंग हो कॉज ऑफ कॉन्सर्ट यानी रूपी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है देखने के लिए क्या इस एरिया पे ढाई किलो का हाथ है या नहीं है और एक कॉन्सर्न क्या है कि आप अगर देखोगे अगस्त फोर्टीन अगस्त फिफ्टीन अगस्त उस टाइम पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग डॉलर रूपी टू मूव

Are hesitating to build long positions. तो क्या शॉर्ट पोजिशन बना रहे हैं? यहां पर भी झमेला है क्योंकि अगर इनविजिबल हैंड स्ट्रॉन्गली इस लेवल को डिफेंड नहीं करते हैं इन सच ए केस रूपी एप्रिशिएट भी नहीं करेगा एक ऐसा थिन लाइन यानी आप बोल सकते हैं कि एल एस सी लाइन ऑफ कंट्रोल एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल में करे हुए हैं इसके ऊपर अगर मीन्स इस एरिया पे अगर ढाई किलो का हाथ या हैंड्स का सेलिंग इंटरेस्ट नहीं होता है एंड दे आर नॉट एग्रेसिव टू डिफेंड द रूपी बॉर्डर टूट जाएगा एंड ऊपर की तरफ भागने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है सो so, हमें यहाँ पे केयरफुली मॉनिटर करना है प्राइस सेक्शन के मीन्स यहाँ पे वी शुड बी रेडी फॉर बोथ

पहले रेंज था 80, 50 ऑन द लोअर साइड एंड 83 ऑन द हायर साइड ग्रेजुअली जो लोअर सपोर्ट लेवल्स ऊपर आया फिर ये 81 पे आया फिर आया आपका 81, 50, 81, 70. एंड लास्ट जो हमने देखा है वो है आपका 82, 40, 50. यानी ये जो है कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है

और अगर हम करंट सी फ्यूचर नवंबर का प्राइस देखेंगे अभी ये 83.22 यहां पे क्या हो रहा है आपका यहां पे आपका प्राइस इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है फ्यूचर का भी वो वो भी सेम ही है 8320 से 83 35 के आसपास प्राइस यहां पे बिल्ड अप हो रहा है लॉन्ग के लिए लेकिन लॉन्ग पोजीशंस के लिए भी केयरफुल होना है। सो so, डिप अगर आते में भी टोर्स 82, 70, 82, 90 के बीच में उस लेवल पे थोड़ा-थोड़ा लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करने का प्रयास कर सकते हैं। दैट बीइंग द केस रुपी ये क्रिटिकल ज़ोन पे हमें और थोड़ा इंतजार करना है। अभी आते हैं जो hmm. ऑप्शन राइटिंग 83 क्वार्टर का 83 क्वार्टर का जो ऑप्शन राइटिंग था आपका हाँ एटी थ्री क्वार्टर ये नहीं ये वाला नहीं है तो फिफ्टीन सितंबर का है ये है आपका कल के लिए कल के लिए करेंटली द प्राइस इज एट

क्लियर कर दिया ये पोजीशंस भी क्लियर कर दिया दूसरा और एक पोजीशंस था जो 500 हंड्रेड का था हाफ ए मिलियन डॉलर का उसको भी मैंने पोजिशन कर दिया और बैठ गया ये क्योंकि हाथ में ज्यादा टाइम निकल के लिए एक अगर बम करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये पूरा का पूरा मेजर लॉसेस हो सकता है सो so, यहाँ पे एज फार एज दी क्वार्टर कल का यानी एट सितंबर का जो एक्सपायरी का वैल्यू है उसके लिए मैंने पोजीशन पे स्क्वायर कर दिया है हाँ मेरा एक केयर सितंबर फ्यूचर का शॉर्ट चल रहा है जो एट द मोमेंट काफी लॉसेस में है उसको मैं जस्ट एक डीप के लिए इंतजार कर रहा हूँ ताकि निकल सकते हैं ये हो गया ऑप्शन का एनालिसिस सो so, पहले हमने डॉलर के स्पॉट का एनालिसिस किया फिर ऑप्शन करेंसी फ्यूचर का एनालिसिस किया

और कॉशियस अप्रोच के साथ यानी इस लेवल पे थोड़ा कॉशियस रही रहिए ताकि ये एक क्रिशियल जहाँ भयंकर भी आ सकता है और ढाई किलो का हाथ अगर रहता है तो ज्यादा कुछ आपको ऊपर जाने का अलाउ भी नहीं कर सकता है सो करेंसी एनालिसिस, डॉलर यूपी का जो स्पेशल एनालिसिस है सेवेंथ ऑफ से अभी के लिए इतना ही विथ दिस I'm signing off. Thank you and bye bye.